गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको M3 का, जिसका मेरे पास रिटेल यूनिट है। इस डिवाइस की प्राइस स्टार्ट होती है 11,000 से। मेरे पास 128GB वाला वेरिएंट है और गाइज इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। सो गाइज इस डिवाइस की प्राइस है 12,000। तो गाइज चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये है हमारा पोको M3 का बॉक्स, जिसके पीछे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आपको मोबाइल की एक गाइडबुक मिल जाती है, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन बैक कवर मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। उसके साथ आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। सो गाइज ये है हमारा फोन, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके साथ आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और USB टाइप सी केबल मिल जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। 6.53 इंच का LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको फुल HD+ रिजोल्यूशन मिल जाता है, जहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। यहां पर हमें स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है। बैक साइड पर देखें तो हमें कैमरे की साइड में एक लोगो दिख रहा है, जहाँ पर पोको लिखा हुआ है। इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, पर इसे देख के लगता ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल हैवी नहीं है। वेट बैलेंस काफ़ी अच्छा है, इसको आप एक हाथ से होल्ड करके भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पावर बैंक। आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिवर्स चार्जिंग के लिए, अपने बाकी फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए। गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिल्ड क्वालिटी। जो पॉलीकार्बोनेट का बैक है, जहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिख रहा है, जहाँ पर आपको कोई स्क्रैच नहीं पड़ने वाले, साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इतना फास्ट ये वर्क नहीं करता है, मुझे ये पसंद नहीं आया क्योंकि थोड़ा स्लो वर्क करता है। इसके साथ आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। अभी मैं बात करूँ इस मोबाइल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, तो वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर मिल जाता है और साथ ही आपको MIUI 12.0 का इंटरफेस मिल जाता है। ये बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पर। सो गाइज आप यहां पर देखें तो फोन को रिस्टार्ट होने में भी काफी टाइम लग जाता है। गाइज मैं यहां पर सारी एप्स को ओपन करके देख रही हूं। मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो थोड़ा स्लो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि स्लो है, बट थोड़ा स्लो वर्क करता है एप्स ओपन होने में। इसके साथ डिवाइस में ऑडियो में हमें एक अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमें डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो गाइस चलिए इसकी क्वालिटी देख लेते हैं। बजट के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है।
सो गाइज अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरे के बारे में। तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का हमारा मेन कैमरा है, उसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल जाते हैं, एक है डेप्थ और दूसरा है मैक्रो। गाइस यहाँ पर वाइड एंगल नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि मैक्रो की जगह वाइड एंगल मिलना चाहिए था। अगर हम देखें तो 90% लोग मैक्रो शॉट नहीं लेते हैं बट वाइड एंगल जरूर लेते हैं। सो गाइस कंपनी को इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस चलिए देखते हैं कैमरे के कुछ पिक्स। पोर्ट्रेट शॉट में मैंने कुछ पिक्स लिए हैं जो काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी ब्लोन आउट कर दिया है। इसके साथ मैंने और पिक्स लिए हुए जिसकी क्वालिटी ओके है। नाइट मोड में भी मैंने कुछ पिक्स लिए हैं जिसकी क्वालिटी भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैंने सेल्फी कैमरे से भी सेल्फी ली हुई है जो ठीक ठाक है, मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा क्योंकि बैकग्राउंड को पूरा ब्लोन आउट कर देता है। गाइस मैंने यहाँ पर बैक कवर लगा दिया है तो फोन का लुक काफी अच्छा दिख रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और गाइस आपका कोई सुझाव है या आप मुझे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, माय नेम इज दरा, दिस इज टेक। मैं आपको मिलूंगी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।